श्रद्धा व भक्ति का उमंग, उल्लास और उत्साह की तरंग, सत्य, न्याय और धर्म की विजय, प्रतिष्ठा के पावन महापर्व विजयदशमी के अवसर पर शुक्रवार को गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की पारंपरिक भव्य विजय शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से निकाली गई। विजय जुलूस का पूरे रास्ते भर लोगों ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। फूलों से सजे रथ पर महंत के पारंपरिक परिधान में शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का मुस्लिम और सिंधी समाज की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। योगी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, मंगलमय जीवन की कामना की और 9 दिन तक चले नवरात्रि अनुष्ठान की वेदी का प्रसाद दिया। गौरतलब है कि नाथ संप्रदाय की विश्व प्रसिद्ध गोरक्षपीठ के कई अनुष्ठान अद्भुत और विहंगम है। इन्हीं में से एक प्रमुख अनुष्ठान विजयदशमी की शोभा यात्रा भी है। शुक्रवार को इस पावन पर्व पर शाम 4:15 बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ की भव्य शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से निकाली गई। इसके पहले गुरु गोरखनाथ का पूजन कर और उनका आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुली जीप में बने रथ पर सवार हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। नाथ पंथ के विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, तुरही, नगाड़े, डमरू व बैंड बाजे की धुन और हनुमान दल के बालकों के हैरतअंगेज करतब के बीच शोभा यात्रा आगे बढ़ी और मानसरोवर मंदिर पहुंची, जहां महंत योगी आदित्यनाथ ने सभी देवी देवताओं की विधि विधान से आराधना की। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलीला मैदान के लिए रवाना हो गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, और पीछे का।
रस्ते से बाहर निकल जाओ, मीडिया वाले सोचते हैं रस्ते से बाहर निकल जाओ। Thank you.
भारत माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गंगा भूमि की, श्री राम जन्म भूमि की जय, श्री कृष्ण जन्म भूमि की, काशी विश्वनाथ की जय, योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज की जय, ब्रह्मे नमः
अधीक्षक पीठाधीश्वर जो भी हमारे रहे हैं, आज के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज, दशहरे की दिन शोभा यात्रा निकलती है गोरखनाथ मंदिर में, कुछ महाराज जी पूजा अर्चना करके तो वहाँ से निकलते हैं और मानसरोवर पर जाके बाबा भोलेनाथ सहित सभी देवी देवताओं का दर्शन करते हैं और उसके बाद रामलीला मैदान जो आर्य नगर में जा करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की आरती उतारते हैं, उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न होता है और गोरखपुर वासियों को कुछ महाराज जी द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होता है। आदिकाल से चला आ रहा है, जब से हिंदू समाज जागृत हुआ, गोरखपीठ की स्थापना हुई, तब से परंपरा चली आ रही है।